फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, दास बाबा जो है उस पार नदी को, नदी में नाव चलाने के लिए काफी प्रयत्नशील हैं और नाव में जो है नाव की मरम्मत कर रहे हैं। और हम लोग इस पार, सोचने वाली बात है कितने योगदान दे रहे हैं अपने लाइफ से, वो अभी इतने वृद्ध हो चुके हैं फिर भी, और हम ऐसे लोग जो सिर्फ देख रहे हैं, और हम भी साथ में, और बाबा अकेले कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं छुप पड़ जाकर करनी की। और सही बात ये भी है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है हम लोग ऊपर उस पार जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, शंभू खोना और हमारे उगन मास्टर धीरे धीरे पांव कदमों से अंदर जाते हुए, और हम भी जा रहे हैं। थोड़ा पानी कम है क्योंकि बीच से जो पुल था उसकी वजह से हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे से केचली को हटाया जा रहा है। हाँ, और इधर मजा ले रहे हैं भरत जी हंस के। चलिए जी, धीरे धीरे तुम भी हटाओ यार। झोंक भी धर सकता है, और ज्यादा ये उगन को झोंक का डर लग रहा है जो खून पीता है। और ये हम लोग नदी के लगभग 5% हिस्से अंदर में आ गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे कदमों से। अच्छा, हम लोग पुल पे है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अभी हम लोग अंदर आ, कोई बात नहीं। और देखिए कितना स्पीड जा रहा है। अच्छा, ये सब बारात लेके एक साथ आए, साइड में जो सब बारात एक साथ आए, साइड साइड शंभू साइड, मैं तो नाश्ता पानी सब एक साथ दे पड़ता झगड़ा भाई, तो साइड 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 बंचे हो भात यहां देखो ना, आगे संभल के लेके कितना चल गए। रास्ता इन लोगों ने क्लियर कर दिए हैं, फिर भी घुस गया, फिर भी अब ये लोग फिर से जबरदस्ती वहां पे रुक गए। देखिए देखिए, वहां पे अटकना अटकना है। चलिए चलिए, बात खत्म।